हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। हमने इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर डाल दी है, तो आपको सारे एपिसोड्स वहां मिल जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में जूंजे बहुत उल्टी कर रहा था और उसे देख कर जलपरी नामदू से पूछती है, कहीं ये मर तो नहीं जाएगा ना, सातवीं बार उल्टी की है इसने। और उसकी ये बात सुनकर नामदू हंसने लगता है। तभी टायो उसे बताता है कि आज जिंजू का वेट से अपॉइंटमेंट है और नामदू प्लान पर काम करने भागता है। यहाँ जिंजू भी नामदू को ढूंढ रही थी और वो अपने डॉग को बिना बात के ही डॉक्टर के पास ले आई थी। तभी नामदू भी वहाँ आ जाता है और जिंजू उसे हाय हेलो करके तुरंत सीईओ के बारे में पूछती है। वो उसे कहती है, क्या आपने मेरे बारे में सीईओ किम जे से बात की? क्या वो हमारे घर डिनर पर आने वाले है? जिस पर नामदू कहता है, उनका आना मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं उनसे पूछकर आपको कॉल करता हूँ। फिर वो नामदू को डॉग फूड देकर इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। अब घर आकर जिंजू उसकी कॉल का वेट करने लगती है। चाशेहा उसे फिर से समझाती है, कहा है ना वो चालबाज है, ये सब उनकी चाल है। तभी जुंजी की मॉम वहाँ आकर चाशेहा को किसी बात को लेकर समझाने लगती है। चाशेहा को गुस्सा आता है और वो उन्हें उल्टा जवाब देने लगती है। वो उन्हें कहती है, यहाँ का मालिक कौन है क्या नहीं जानती, और तुम मेरी सासू माँ नहीं हो जो मुझे हर काम को ठीक से करने को कहती हो। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ। ये सब सुनकर जुंजी की मॉम उसे कहती है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, और वैसे भी मैं आपको कभी भी अपनी बहू बनाना पसंद नहीं करूँगी। उसकी ये बात सुनकर तो चाशेहा पागल हो जाती है और अपनी भाभी को अभी उसे काम से निकालने कहती है, लेकिन जिंजू मना कर देती है। वो उसे कहती है, अभी मैं उसे काम से नहीं निकाल सकती, अगर मैंने उसे काम से निकाल दिया तो आज के डिनर पार्टी में खाना कौन बनाएगा, और मैं वैसे भी उसे काम से कभी नहीं निकाल सकती, जानती हो ना वो कितना अच्छा खाना बनाती है। और यहाँ पर चाशेहा को ये भी पता चलता है कि मेड का एक बेटा भी है। तभी जिंजू को नामदू का कॉल आता है और वो ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि आज वो अमीर फैमिली उनके घर डिनर पर आ रही है। वो बहुत सारे ड्रेसेस पहनकर अपने हस्बैंड और मेड को दिखाने लगती है और मेड जिंजू की इसमें हेल्प करती है। वो इस तरह से उसे कपड़ों के बारे में और ज्वेलरी के बारे में बताती है जैसे वो कोई अमीर औरत हो। दूसरी तरफ जुंजू और उसके दोस्त भी जिंजू के घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ देर में वो सब जिंजू के घर पहुंचते हैं और जिंजू अपनी पूरी फैमिली के साथ उन्हें लेने बाहर आती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, चाशेहा भी घर के बाहर आ जाती है, लेकिन वो अंदर जाती उससे पहले उसकी भाभी उसे स्टोर से कुछ लाने कहती है और चाशेहा वापस चली जाती है। यहाँ सब लोग खाना खाते हुए बिजनेस की बातें कर रहे थे और जुंजे की मॉम उसके पीछे किचन में काम कर रही थी। जुंजे जैसे ही खाना टेस्ट करता है, उसे उसकी मॉम की याद आ जाती है और वो कहता है, ऐसा खाना तो मेरी मॉम बनाया करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये खाना उसकी मॉम ने ही बनाया है। तभी उसकी मॉम वहाँ खाना रखने आती है लेकिन उसे नहीं देख पाती, और उनकी आवाज़ सुनकर जब जुंजे पीछे मुड़ता है तो वो वहाँ से जा चुकी थी। अब तक चाशेहा भी स्टोर से वापस आ गई थी और टायो उसे वहाँ देखकर चौंक जाता है। जैसे ही वो अंदर जाने वाली होती है, वो उसे रोक लेता है। चाशेहा उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता? टायो कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो उसे बाद में मिलने का कहकर गेट खोलने लगती है। वो सोचता है कि इसे मैं ऐसा क्या कहूँ कि ये घर के अंदर ना जाए, और अचानक वो उसे आई लव यू कह देता है। ये सुनकर चाशेहा हैरान हो जाती है। फिर वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और अब यहाँ बेचारा टायो पछता रहा था कि काश कुछ और ही कह देता। चाशेहा उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मैं जुंजे से प्यार करती हूँ और उसके होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। फिर टायो का मुंह देखकर उसे उस पर दया आने लगती है, लेकिन फिर वो वहाँ से जाने की बात करती है। टायो उसे जाने से मना करता है और उसे कहता है कि कुछ देर यहाँ बैठ जाओ ताकि मुझे अच्छा लगे, और फिर जल्दी से नामदू को सब कुछ मैसेज करके बता देता है। अब जैसे ही नामदू को पता चलता है कि ये चाशेहा का घर है, वो हैरान हो जाता है और वो तुरंत जुंजे को कहता है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, ये चाशेहा का घर है। जिसके बाद वो सब जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगते हैं। उनके जाते ही चाशेहा भी घर आ जाती है। घर आकर जुंजे नामदू को डांटने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम लोगों को उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था, अभी पकड़े जाने वाले थे हम,
जिस पर वो कहता है कि उसके फैमिली रिकॉर्ड में सिस्टर इन लॉ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। बहुत ही बुरा फंसने वाले थे आज हम, और उसकी यह बात जलपरी सुन लेती है। वो कहती है कि कौन फंसने वाला था, तुम किसके फंसने की बात कर रहे हो। फिर वो अपने मन में कहने लगती है, जूंजे तुम कौन आर्टिस्ट हो ना, तुम सब लोगों का पैसा लूटने का काम करते हो। और उसकी बातें जूंजे को सुनाई दे रही थी। नामदो उसे देखकर कहता है, ये बताओ तुम इसे घूर क्यों रही हो, क्या हुआ है। तभी जूंजे उसे जवाब देने लगता है। वो कहता है, हाँ सब कुछ झूठ था, मैं धोखेबाजी से पैसे कमाता हूँ, सुन लिया तुमने, यही है मेरी जॉब और मेरा राज, तुम्हारा राज क्या है। तब जलपरी अपने मन में कहती है, मेरा भी एक राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं इंसानों से बिल्कुल अलग हूँ, मैं एक जलपरी हूँ। ये सुनकर जूंजे हैरान हो जाता है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। नामदेव उन्हें एक दूसरे को घूरते हुए देखकर डर रहा था। जलपरी कहती है, जूंजे अगर तुम्हें मेरा राज पता चल गया तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, इसीलिए मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ तुमसे अपना राज छुपाने की। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब जूंजे नामदो से पूछता है, क्या तुमने सुना शिमचोंग ने क्या कहा। जिस पर वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, तुम दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे। रात में जलपरी के दिल में दर्द हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जूंजे उस पॉट को देख रहा था, क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था, जो भी उसके साथ हुआ अब तक क्यों हुआ। वो जलपरी के रूम में आता है लेकिन वो वहाँ नहीं थी, और उसे ढूंढने के लिए जूंजे बाहर आ जाता है। तब उसे राजा किम की बात याद आती है कि मेरी दुनिया की हर चीज तुम्हारी दुनिया में भी दोहराई जाएगी। वो सब कुछ सोच कर पागल होने लगता है। तभी उसे वो सब भी याद आने लगता है जो भी उसके साथ स्पेन में हुआ था, कि किस तरह से वो जलपरी से मिला, वो दोनों घूमे और बहुत एंजॉय किए, और जब गुंडे उनके पीछे पड़े तब जलपरी ने कैसे उसकी जान बचाई और बदले में उसकी याददाश्त मिटाई। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि पिछले जन्म में वो ही राजा किम दामयोंग था। एंड द एपिसोड एंड्स हियर। सो गाइज, इफ यू लाइक आवर एक्सप्लेनेशन, प्लीज डू लाइक एंड कॉमेंट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।